आपने माछेर पातुरी नहीं खाया तो क्या खाया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कैसल। चलिए आज बनाते हैं बंगाल का एक और स्पेशल डिश माछेर पातुरी। इसमें मछली को केले के पत्ते के अंदर कुछ स्पेशल मसालों के साथ पकाया जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने रोहू फिश के पीसेस को अच्छी तरह से धो लिया है और इस तरह से एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालूंगी और अच्छी तरह से इसे मिला लूंगी। आप यहाँ पे दूसरे कोई भी फिश का यूज कर सकते हैं। अब इसे नमक के साथ मैरिनेट करके ऐसे ही रख दूंगी। फिर एक कटोरी में 9 से 10 काजू, 1 चम्मच पॉपी सीड, 1 चम्मच पीली सरसों और 2 चम्मच काली सरसों, थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल के इसमें पानी डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। फिर एक तवे को अच्छे से गर्म करके इसके ऊपर छोटे पीस में कटे हुए केले के पत्ते को इस तरह से सेक लूंगी। आप एक कपड़े की मदद से ऐसे ही इसे प्रेस करते हुए सेक ले। इससे जब हम पत्ते को फोल्ड करेंगे तब ये फटेंगे नहीं। केले के पत्तों को आप ऐसे काट के फिर अच्छे से धोने के बाद ये प्रोसेस करें। और यहाँ पे हमारा पत्ता अच्छे से सिक चुका है। इस तरह से हम बाकियों के पत्तों को सेक कर साइड में रख लेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे मसाले की तरफ। जो मसाले हमने भिगो के रखे थे उसमें से पानी निकालेंगे। इसमें 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिलाएंगे और इसे सिल बट्टे में पीस लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और 2 बड़े चम्मच फेटी हुई दही। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे नमक के साथ मैरिनेट किए हुए फिश के ऊपर डालेंगे और फिश में इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 घंटे के लिए ऐसे इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें, वरना आप इसे इमीडिएट भी बना सकते हैं। तो अब हम केले के पत्ते को ऐसे बिछा लेंगे, इसके ऊपर मैरिनेट किया हुआ फिश रखेंगे, इसके ऊपर डालेंगे एक हरी मिर्च और थोड़ा सा सरसों का तेल। अभी इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे इसे चारों तरफ से फोल्ड करना है। अभी एक धागा लेंगे और अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से लपेट लेंगे। ऐसे एक एक करके हम सभी फिश के पीसेस को केले के पत्ते में बांध लेंगे। अब एक पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और एक एक पातुरी को इसमें डालेंगे। 4-5 मिनट रखने के बाद इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद इसे हम कवर करके और 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे। इसी तरह से मीडियम फ्लेम में करीब 20 मिनट पकाने के बाद ये हमारा माछेर पातुरी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। पहले इस धागे को हटाएंगे, इसके लिए मैं कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर पत्ते को खोलते ही इसकी जो खुशबू है ना, वो पूरे घर में फैल गई थी। और ये हमारा माछेर पातुरी। तो आप भी घर पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।